बहुत सारे कलाकार हैं इस दुनिया में और बहुत सारे कलाकारों के जीवन की कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, हमारे लिए वो एक आदर्श बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है इस अभिनेत्री की, जिनका नाम है निमिषा वखारिया। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं निमिषा वखारिया का सफ़रनामा। तेनाली रामा की लक्ष्मी अम्मा भले ही कुछ ना बोलती हों, इशारों में ही बात करती हों, मगर तेनाली की अम्मा का किरदार निभाने वाली निमिषा वखारिया बहुत बोलती हैं, बिल्कुल खिचड़ी की जयश्री पारेख की तरह। हेलो बा, मैं निमिषा। मैं सब लोगों के साथ अपना सफरनामा, एक जिंदगी का करियर का सफरनामा शेयर करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, अरे एकदम सुपर हिट होगा भगवान। निमिषा ने अपना एक्टिंग करियर बचपन में ही शुरू कर दिया था और बचपन में उन्हें काम भी उनके नाम की तरह पलक झपकते ही मिल गया था। के मतलब की तरह निमिष, निमिष मात्र में मेरी लाइफ चेंज होती गई। वैसे तो मैं जब 6 साल की थी, वेरी यंग, तभी मेरी मम्मी की जो टीचर थी उनकी पहचान प्रागजी डोसा नाम के बहुत बड़े राइटर हैं गुजराती के, उनके साथ थी, कुछ रिलेटिव थे शायद उनके, तो उनके बेटे का छोटा बेटा था, मेरी उम्र का था, तो उन्होंने कहा मैं उससे मिलवाने लेकर जा रही हूँ, पर वो पेडर रोड है तो बहुत दूर है, तो मेरे साथ चलेगी। और मैं भी अपनी माँ के साथ चल ली और वहाँ जाकर बहुत सारी मीटिंग थी, बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए थे और उन्होंने बातचीत की, वो लड़के से बातचीत की, कुछ पूछा उससे, और मैं भी बैठी थी, कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कुछ कर सकती हो, कुछ आता है तुम्हें? मैंने कहा हाँ, जो भी आता था सब मैंने करके दिखा दिया। एंड आफ्टर 2 डेज दे कॉल्ड, ये कहते हुए कि वो लड़का नहीं, वो जो लड़की आई थी ना, वो हमें चाहिए आपकी फिल्म, हमारी फिल्म के लिए। तो 6 साल की उम्र में एक साथ मैंने 2 फिल्में साइन कर ली एक ही दिन, बोथ गुजराती फिल्म्स एंड वन विथ अ टाइटल रोल, आशापुरा मानी चुनड़ी एंड वन वाज माँ दिखे। एंड सोचा नहीं था और पल भर में आई बिकेम एन एक्ट्रेस। मगर ऐसे ही एक पल में निमिषा की जिंदगी भी बदल गई थी जब वो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई थी। मैं अहमदाबाद में थी और मेरी तो ट्रेन थी, आई वाज टू कम बैक, और थिएटर में मेरे दोस्तों का प्ले था, तो मैं ऐसे ही मिलने गई थी उनको और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्ले जा रहा है, रुक जाना हमारे साथ बस में आना। सो आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, येट आई वॉज इन दैट बस एंड आई मेट विद द बिग एक्सीडेंट और अगेन इट चेंज माई लाइफ। तो मैंने पूरा स्ट्रीम चेंज कर दिया, फ्रॉम साइंस आई शिफ्टेड टू आर्ट्स। मैं बहुत रोई थी, बहुत दुखी भी हुई थी कि अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगी, पर मुझे ये कहा गया कि फिर बीए करना, एमए करना, पीएचडी करना, डॉक्टर तो बन ही जाओगी तुम। सो आई अगेन स्टार्टेड दैट, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद फिर एक्टिंग थोड़ा कम हो गया था कंपेरेटिवली, देन आई डिड माई टीचर एट कोर्स।
हालांकि निमिषा कभी रुकी नहीं, कभी थकी नहीं। बचपन में गुजराती फिल्में की और फिर रंगमंच पर कई सालों तक वो काम करती रही। गुजराती रंगमंच पर एक्टिंग को और निखारा और इसी रंगमंच से उन्हें जीवन साथी भी मिला। तभी मुझे मेरी मम्मी का फोन आया कॉलेज में कि संजय गोराडिया करके एक प्रोड्यूसर है, उनका फोन आया है, शफी इनामदार, वेरी बिग डायरेक्टर ऑफ द टाइम। तो शफी जी एक प्ले कर रहे हैं, पता नहीं तुझे मिलने के लिए बुलाया है उन्होंने। तो मुझे लगा आई डोंट नो व्हाई ही जस्ट कॉल्ड, आई वाज नॉट मच इंटरेस्टेड ऑल्सो, बट आई वेंट बिकॉज अ बिग नेम, शफी इनामदार जी वॉज अ वेरी बिग नेम। तो मैं गई वहाँ, तो उनके प्ले का मुहूर्त था, बाहर रिटायर थे छे, आई थिंक किसी भी गुजराती को आप पूछेंगे तो ये प्ले तो हर गुजराती ने देखा होगा, या कोई यंग बच्चे होंगे तो सुना तो डेफिनेटली होगा। तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, आई वॉज वेरी लक्की टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और उस प्ले में माई हस्बैंड नितिन वखारिया वॉज ऑल्सो देयर, पद्मा रानी जो सरिता जी हैं उनकी बहन, वो बा का रोल कर रही थी। और उस प्ले में ने सारी दुनिया देखी। दिस प्ले वॉज द फर्स्ट गुजराती प्ले विच वेंट राउंड एवरीवेयर, अफ्रीका, लंडन, अमेरिका, कैनेडा, हॉन्गकॉन्ग, अफ्रीका, मस्कत, दुबई, एवरीवेयर वी हैव सीन एवरी कंट्रीज विद दिस प्ले। निमिषा ने करीब 15 सीरियलों में काम किया, जिसमें एक महल हो सपनों का, कुमकुम, बा बहू और बेबी, ससुराल सिमर का, बालिका वधु, अदालत, बड़ी दूर से आए हैं और राम मिलाए जोड़ी जैसे सीरियल्स काफी लोकप्रिय रहे। और अब तेनाली रामा की लक्ष्मी अम्मा बनकर वो लोगों का खूब मनोरंजन कर रही हैं। There are not one. एक तो my husband is only from this field. और बाबू बेबी 5 साल वही मेरे हस्बैंड थे, प्ले कर रहे थे तुषार। देन राम मिलाए जोड़ी में भी 2 साल वही मेरा हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा था। सो एनीथिंग रिगार्डिंग टू दैट आई आस्क हिम। एंड सेकेंडली आई थिंक माई गुरु और हुएवर इज रंगभूमि थिएटर। जब मैं आई शायद मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं होंगी, पर थिएटर में रह रहकर सीख सीख कर मैं हमेशा विंग में खड़ी रहती, दूसरे एक्ट्रेस को देखती, अच्छा इस पे ताली आई, इस पे नहीं आई, मेरे इस अच्छा तो ये करना है और ये नहीं करना है, ये मैंने सीखा। और मैंने जो भी सीखा मेरी ऑडियंस से सीखा, जो काम करते हैं उसमें हमें प्यार नहीं मिला, अप्रिसिएशन नहीं मिला, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो अगर आप पूछे मेरा गुरु कौन है तो मैं कहूँगी रंगभूमि, थिएटर and my audience. These are my gurus who have taught me the right and the wrong. Mumbai se Sneha Sharma ke saath ABP News Report. ये है ABP News, आपको रखे आगे।